नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशांत। स्टार प्लस के शो ये रिश्ता क्या कहलाता है सालों से टीवी पर राज कर रहा है। साल 2009 में शुरू हुआ ये शो अभी भी टीआरपी चार्ट में बना हुआ है। शो में अब तक कई बार लीप आ चुके हैं, लेकिन ऑडियंस तब भी शो को काफी पसंद कर रही है। कुछ महीनों पहले ही शो में 20 साल का लीप आया था, जिसमें एक नई लव स्टोरी दिखाई जा रही है। शो में समृद्धि शुक्ला यानी अभीरा, प्रतीक्षा होनमुखे यानी रूही और शहजादा धामी यानी अरमान लीड रोल में नजर आ रहे हैं। इनके लव ट्रायंगल को शो में काफी पसंद किया जा रहा है। वहीं अभी शो को लेकर बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जिसे जानने के बाद फैंस को जोर का झटका जरूर लगने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शो के मेकर्स ने एक झटके में ही शहजाद धामी और प्रतीक्षा होनमुखे को शो से टर्मिनेट यानी बाहर कर दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी शो से यूं अचानक ही किसी एक्टर को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मेकर्स ने दोनों एक्टर्स के नखरों से परेशान होकर ये बड़ा फैसला लिया है। अरमान और रूही के शो से बाहर होने पर अब शो में शहजादा धामी यानी अरमान की मां का किरदार निभाने वाली श्रुति उल्फत यानी विद्या पोदार ने एक्टर्स की हरकतों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। दरअसल श्रुति उल्फत ने एक लीडिंग वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में इस पूरे मसले पर बात की है। एक्ट्रेस ने बताया कि मुझे लगता है कि मेकर्स का ये फैसला एकदम सही है और पूरी यूनिट भी इसके सपोर्ट में है। राजन एक शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं और उन्होंने उन दोनों को ही कई बार मौके दिए, लेकिन चीजें नहीं सुधरी। इसी वजह से मेकर्स को इस तरह का निर्णय लेना पड़ा। अब कोई और रास्ता बचा भी नहीं था। जब पानी सर के ऊपर से चला जाता है तो ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं। वह उन सभी अभिनेताओं के लिए एक सबक होगा जो अपने काम को नजरअंदाज करते हैं और चीजों को हल्के में लेते हैं। इन दोनों को छोड़कर मैं सेट पर हर किसी के साथ जुड़ी हुई हूं। वे दोनों बाकी के साथ भी अच्छे से नहीं घुले मिले हैं। ये बात सच है कि हम लोगों में बात होती है, लेकिन हम अच्छे से जुड़े हुए नहीं हैं। लंच ब्रेक में शहजादा और प्रतीक्षा को छोड़कर लगभग सभी कलाकार एक साथ खाना खाते थे। श्रुति ने आगे बताया कि प्रतीक्षा और शहजादा का व्यवहार हमेशा से ही एक परेशानी बना हुआ था। इस वजह से सेट पर कई बार घटनाएं और दुर्घटनाएं हुई। मुझे ये लगता है कि एक्टर्स को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि शो हमेशा उनसे ऊपर है। आप शो का चेहरा बने हैं, आपके पोस्टर शहर में लगाए जाते हैं और ये सब एक शो की वजह से ही होता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है सबसे लंबे समय तक चलने वाला शो में से एक है और टीआरपी चार्ट पर भी राज कर रहा है, और हम सभी को ऐसा करना चाहिए। अक्सर वो हल्के में लेने के बजाय उसके लिए आभारी रहें। बता दें कि अरमान और रूही के शो से बाहर होने से इसकी टीआरपी पर बुरा असर पड़ सकता है। वैसे शो में जल्द ही रोहित यानी कि शिवम खजूरिया की एंट्री होने वाली है, जिसकी वजह से शो में काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा जा रहा है कि अरमान अभीरा के लिए पोद्दार हाउस को लात मार देगा। दादी सा अभीरा को घर से बाहर निकाल देंगी और इसी के साथ अरमान भी अभीरा के साथ घर छोड़ देगा। कहना गलत नहीं होगा कि शो में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। खैर, फिलहाल देखने वाली बात तो अब ये होगी कि मेकर्स अरमान और रूही के किरदार में किन एक्टर्स को कास्ट करते हैं। वैसे ऐसा कहा जा रहा है कि रोहित पुरोहित अरमान के किरदार में दिखाई दे सकते हैं। हालांकि रूही के किरदार में कौन नजर आएगा फिलहाल इसका खुलासा नहीं हुआ है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।